नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट की। जैसा कि आपको पता है, 5512 पदों के लिए शॉर्टलिस्टिंग जो है वो 15 अंकों की गई है, जिसमें कि आप सभी लोग, ज़्यादातर लोग मतलब क्वालिफाई हो गए हो। तो पहले तो बहुत बहुत बधाई, क्योंकि हमेशा, वरना क्या होता था, यूपी ट्रिपल एससी आयोग 30 गुना को बुलाता था। इसकी वजह से बहुत से लोगों को पूरे साल कोई मौका नहीं मिलता था। इस बार आप सभी को मौका मिला है, और दूसरी अच्छी बात यह है कि आपके पास समय भी पर्याप्त मात्रा में है। जो आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम होगा अगस्त तक होगा, अगस्त के पहले इस एग्जाम के होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि उसके पहले आपका जो एग्जाम होगा वो वीपीओ का होगा और यूपी ट्रिपल एससी ऑडिटर वाला एग्जाम होगा। तो आपके पास 4 से लेकर 5 मंथ का समय है, जो कि जूनियर असिस्टेंट के लिए मोर देन इनफ है। अब आपको ये अच्छे से पता है कि आपकी हिंदी में क्या आना है, आपके जीएस में क्या आना है, जीके में क्या आना है, रीजनिंग में क्या आना है। आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को लेकर परेशान हो, वो है कंप्यूटर को। कंप्यूटर जो है वो आपको पता है पूरे 15 अंकों की आने वाली है, और उसी को लेकर आप लगातार मैसेज कर रहे हो कि कंप्यूटर कहाँ से पढ़ें, किस बुक से पढ़ें, प्रैक्टिस सेट कैसे करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो उसी को लेकर इस वीडियो में आई हूँ। कोशिश करूँगी पूरी आपके डाउट्स क्लियर कर दूं, प्लस मैं जो पढ़ा रही हूं उसकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई आप जाकर देख सकते हो। उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाके सारी चीजें आप देख सकते हो। मैं भी पढ़ा रही हूं आपको। अब बात करें तो कंप्यूटर अगर आपको खुद से पढ़ना है, तो पहले मैं आपको बताऊंगी सिलेबस। पहले आपको मैं सिलेबस अच्छे से समझा दूंगी, फिर बुक्स, प्रैक्टिस सेट, पीडीएफ कहां पर मिलेगी, इन चीजों में बात करेंगे, ठीक है? तो चलो पहले सिलेबस देख लो। सिलेबस देखो, और मैं एक चीज बता दूं आपको, सिलेबस देख के समझ लो कैसे पढ़ना है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए दोस्तों आपको ये प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस ईयर आपका है, ये भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर जरूर देखना। प्रीवियस ईयर कौन सा? लास्ट ईयर वाला, 2021 में जो पेपर हुआ था वही वाला। उसके पहले पेपर का लेवल एकदम अलग होता था। अगर आप में से किसी ने 2016 का, 2019 का, इन सब का पेपर देखा होगा, उस समय पेपर का लेवल एकदम डिफरेंट था। इस बार जो पेपर आया उसका लेवल वाकई पूरा डिफरेंट था। तो इसीलिए कह रही हूँ, जब पढ़ने चलना तो पहले ये पेपर देख लेना, इसमें कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आए हैं। बाकी मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ। मेरे चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट में आपको मैंने प्रीवियस ईयर कंप्यूटर की एनालिसिस भी कराई है, उसको भी जाके देख लेना। देखो, जब कोई चीज़ बता रही हूँ कि देख लेना, एक बार जाके देख लेना, डेफिनेटली आपको वो हेल्प करेगा। चलो सिलेबस देख लो। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का परिचय, यानी कि आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है, उसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब आप क्या पढ़ोगे बताओ? इंट्रोडक्शन का मतलब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़नी है। मैं इसको रेड कर रही हूँ, रेड क्यों नहीं हो रहा? यानी कि आपको क्या पढ़ना है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है? जो जितनी जनरेशन हैं आपकी वो सारी पढ़नी है। हार्डवेयर, हार्डवेयर में क्या पढ़ना होगा आपको? हार्डवेयर में आपको इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू, एएलयू, मेमोरी यूनिट्स, रैम, रोम, सब पढ़ना होगा। इन दोनों से मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ क्या आया था, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप देखोगे पेपर में 2021 वाले में, हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आया था। यहाँ दोस्तों क्वेश्चन आया था, एक आपसे पूछा गया था, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर जो डेवलप हुआ था उसका नाम क्या था? पहला यांत्रिक कैलकुलेटर डेवलप हुआ था उसका नाम क्या था? और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सीपीयू में ढेर सारे मिलियंस ऑफ टाइनी स्विचेस होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? ये दोनों आपका हार्डवेयर का क्वेश्चन था। देखिए, मैं क्वेश्चन इसलिए बता रही हूं कि आप किसी भी बुक की बात करोगे, किसी भी प्रैक्टिस सेट की बात करोगे, पहले उसमें स्टैंडर्ड देख लेना क्वेश्चन का कैसा है, क्योंकि जनरली जो बुक्स आपकी होती हैं वो जूनियर असिस्टेंट के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं बनी हुई है, क्योंकि आपको पता है जूनियर असिस्टेंट का लेवल एकदम ये हो गया है, टेक्निकल चीजें एकदम पूछ रहे हैं, कोई नॉर्मल चीजें नहीं पूछ रहे हैं कि हार्डवेयर में प्रिंटर वगैरह, ये सिंपल चीजें पूछ लें। लेकिन आपको पढ़ के वो भी जाना है, वो इसलिए जाना है कि पेपर में मान लो कुछ बदलाव होता है तो आपको बेसिक चीजें तो आनी ही चाहिए, बेसिक से हार्ड चीजें आपको आनी चाहिए। तो मैंने दोनों क्वेश्चन बता दिए जो यहां पे आपसे हार्डवेयर संबंधित थे। उसके बाद सॉफ्टवेयर में क्या है, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपका नया ऑपरेटिंग सिस्टम कोई आया हो उसकी क्या स्पेशलिटी है सॉफ्टवेयर में, और जो चीज़ें हैं वो आपको पढ़नी है। ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का भी एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, पूछा गया था कि विच फंक्शन रिमूव्स ऑल नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स फ्रॉम टेक्स्ट। कौन सा ऐसा इसमें से वो है आपको फंक्शन है जो कि सारे जो आपके टेक्स्ट होंगे, गैर टेक्स्ट वाले मैसेज उनको डिलीट कर देता है, यानी कि आपको एक्सेल में सारी
कीज का फंक्शन पता होना चाहिए, बेसिक सारा एक्सेल आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। मैं क्वेश्चन इसलिए बता रही हूँ कि जब आप पढ़ते चलो तो आपको पता रहे कि हमें किस चीज़ों को अच्छे से पढ़ के जाना है। ईमेल से क्वेश्चन आपको पता है आया था, डोमेन नेम और यूजर नेम पूछा गया था। उसके बाद सोशल नेटवर्किंग में क्वेश्चन आया था हैशटैग का, कि हैशटैग क्यों यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन आया था। ई गवर्नेंस की जानकारी, डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग। तो ई गवर्नेंस से एक क्वेश्चन आपका आया था, कुछ सिंपल सा क्वेश्चन था, वो आप शायद लैंग्वेज देख के कर लेते, वो ऐसा क्वेश्चन आया था। इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब, इसमें तो आपसे पूछा ही गया था कि टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का इन्वेंशन किया था, इनका नाम पूछा गया था, ठीक है। तो आपको यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में पता होना चाहिए, हाइपरलिंक क्या होता है पता होना चाहिए, आपको सारे प्रोटोकॉल पता होना चाहिए, एफटीपी क्या होता है, एसएमटीपी क्या होता है, एसटीटीपी क्या होता है, जो बेसिक चीज़ें हमेशा पढ़ते हो वो पढ़ना है, प्लस आपको प्रीवियस ईयर देख के और थोड़ा अपने आपको अपग्रेड करके जाना है, ठीक है। आगे देख लो, उसके बाद भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा का अवलोकन, यानी आपको साइबर सिक्योरिटी की भी चीज़ें पढ़ के जानी है कि साइबर सिक्योरिटी में क्या अपडेट हुआ है, कुछ इंडिया में स्पेशल कोई उसकी नीति आई है, इंडिया में कुछ स्पेशल चीज़ लॉन्च होगी, वो भी पढ़ के जाओगे, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग के तत्व कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। उसके बाद आपका है सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि जो आजकल एआई हो रहा है, जैसे कि चैट बॉट, आपको इसमें क्या याद नाम रखना होगा, चैट बॉट, ठीक है। ये सब जो आपकी नई नई चीज़ें आपकी आ रही हैं वो क्या है, मैंने सब आपको पढ़ाया हुआ है, आप चैनल पे प्लेलिस्ट पढ़ी जाके देख सकते हो, प्रैक्टिस सेट भी आपको कराया है। बिग डेटा प्रोसेसिंग क्या होती है, कैसे होती है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, डीप लर्निंग है, मशीन लर्निंग है, और इन सब से क्वेश्चन आए थे। जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था हडूप वाला, कि हडूप जो है वो कौन सी लैंग्वेज में काम करता है, ठीक है, जावा, पर्ल, ढेर सारी लैंग्वेज से लिस्प थी। और एक क्वेश्चन आपका मशीन लर्निंग का आया था, देखो याद नहीं आ रहा, कुछ के लर्निंग का आया था, के लर्निंग एल्गोरिथम जो है वो किस पे बेस्ड है, के लर्निंग एल्गोरिथम, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रख के इन टॉपिक्स को पढ़ना है, ये बात अच्छा समझ लो। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आपको पढ़ना है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, मैंने बता रखा है आपको, जो चीज़ें आपकी, जो काम आपका इंटरनेट से लिंक्ड हो जाए वो क्या होता है आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जैसे कि आपका स्मार्ट डोर होता है, स्मार्ट डोर क्या है, आप कोई आया नहीं आया, आपने कंप्यूटर पे अपने नेट पे देख लिया, उसको कनेक्ट कर रखे हो आप नेट से, तो वहाँ पे कौन खड़ा है क्या है आप घर पे बैठ के देख सकते हो, वो सब चीज़ें आपकी क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। उससे और कोई इस क्षेत्र में अगर भारत की उपलब्धि है तो वो ज़रूर पढ़नी है। सिलेबस मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जो आपका हमेशा क्वेश्चन है वो है बुक कौन सी यूज़ करें। तो देखो, बुक आप मुझसे पूछ रहे हो, मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, मुझसे बुक मत पूछो। आप जो भी बुक खरीदने जाओ, प्रीवियस ईयर में बार बार कह रही हूँ, 2 से 3 बार देख लो, वहाँ जाओ बुक में देखो कैसे किस लेवल के क्वेश्चन हैं। आपने नहीं समझ में आ रहा है, चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, बिग डेटा प्रोसेसिंग मैंने पढ़ाया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पढ़ा दिया, इसीलिए वो दोनों पहले करा दिए हैं, बाकी तो हम लोग हार्डवेयर पर अब आ गए हैं, वो दोनों इसलिए पहले किया है कि बुक जाओ देखने। तो देखो हडूप, अपाचे स्टॉर्म, इन सब के बारे में लिखा है उस बुक में, अगर लिखा है तो बहुत अच्छी बुक है, ले लो। नहीं लिखा है तो मैं ये बोलूंगी कि मत लो, वो आपके काम की नहीं है। वैसी बुक आपके पास घर में पड़ी होगी ऑलरेडी कंप्यूटर की, अरिहंत वाली या कोई और पड़ी होगी, तो उससे पढ़ लो लूसेंट कंप्यूटर से, फिर वो बुक दूसरी मत लो, ठीक है। दूसरी बुक में बिग डेटा प्रोसेसिंग के बारे में, डीप लर्निंग के बारे में, मशीन लर्निंग के बारे में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में अगर लिखा हो तो वो बुक लेना, तो उस बुक को खरीदने की तुरंत आप सोचना कि मुझे ले लेना, क्योंकि उसके अंदर कंटेंट आपको ये दिख रहा है। अगर ये नहीं दिखेगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर देखकर मत लेना, क्योंकि वो चीज़ें आपको लूसेंट वाली बुक में मिल जाएंगी, अरिहंत वाली बुक में मिल जाएंगी, ठीक। क्वेश्चन देख के करना, प्रैक्टिस से भी मैं यही बोलूँगी, आपको क्वेश्चन आपके पास है, पढ़ के जाओ, पेपर देख के जाओ, बुक लेने जाओ। देखो बुक लेने वक्त यही करता है इंसान, कौन सी बुक अच्छी कैसे जानोगे, आप मार्केट में जाओगे बहुत बुक्स हैं, आप क्या करते हो, जो चीज़ें आपको पता है कि अच्छा मुझे ये पढ़ना है, ये एग्जाम में आता है, ये इसमें लिखा हुआ है कि नहीं लिखा है, मिल रहा है बहुत बढ़िया, फटाफट बुक ले लो, सोचो भी नहीं। लेकिन अगर नहीं मिल रहा तो मैं ये बोलूँगी वो बुक मत लेना, ठीक है। प्रैक्टिस सेट भी लेना तो ये देख लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो सिलेबस था, जो लेवल था एग्जाम का, बिल्कुल चेंज हो चुका है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर अच्छे से करके जाना। बार बार कह रही हूँ, मौका बहुत अच्छा है इस बार आपके पास एग्जाम निकालने का, 4-4.5 महीना है बिना किसी डिस्टर्बेंस के, कोई बीच में भर्ती नहीं है, तो फोकस एक पे कर लोगे, 5512 पद अगर हमारे एक पद है उस पर फोकस कर लोगे तो यकीन मानिए, अगर आप जो मैं टारगेट दे रही हूँ वो टारगेट करो, कंप्यूटर की जो क्लासेस ले रही हूँ वो करो,
डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ 2 महीने जो मैं बताती चल रही हूँ, टारगेट मैंने 60 डेज का बना रखा, चैनल पर आप जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। जो टारगेट मैं दे रही हूँ डेली, जो टॉपिक देती हूँ प्लस प्रैक्टिस सेट कहती हूँ, जिस बुक से कहती हूँ वो उतना डेली पढ़ते चलो। कंप्यूटर में पढ़ा रही हूँ उसकी प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ, उसकी थ्योरी आपको टेलीग्राम पर मिल रही है, तो उन सारी चीज़ों को आप करते चलो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से करते चलो। PDF आपको वहीं मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। फटाफट चैनल पे नए हो गए सब्सक्राइब कर लो और पढ़ाई शुरू कर दो। मैं बार बार कह रही हूँ 4.5 महीने का टाइम है, 60 दिन अगर आपने अच्छे से थ्योरी पढ़ ली ना, अभी इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट का एग्जाम आएगा, कोई और एग्जाम आएगा, एक बार ये हिंदी और रीजनिंग और GS आपने अच्छे से पढ़ ली, अभी इस समय में पढ़ ली, वो आगे हर एग्जाम में आपको काम देने वाली, ये भी समझ लो। और बार बार एक ही चीज़ बोलती हूँ, सेल्फ स्टडी से बढ़िया कुछ नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप किसी से यूट्यूब पर मत पढ़ो, किसी और की बात मत सुनो, सब सुनो, लेकिन दिन भर मत सुनो। आप क्या करते हो, दिन भर खाली इधर उधर घूमते रहते हो, सोचते रहते हो किसकी बातें सुने, किसकी बातें हम फॉलो करें। चुपचाप से आप समय नहीं वेस्ट करो, उठाओ टारगेट जो मैंने आपको देना शुरू किया है और करना शुरू कर दो। 60 दिन के बाद आपको डेफिनेटली खुद लगेगा कि काफी कुछ हमने पढ़ लिया, हमने अच्छे से कर लिया है, फिर जिसका मन हो उसका प्रैक्टिस सेट करते रहना, ठीक है। और इसीलिए कह रही हूँ कंप्यूटर जो बता रही हूँ उसको कुछ साथ के साथ करते चलो, वरना क्या होगा, मेरे 60 दिन में कोर्स खत्म हो जाएगा और आपका इतना बंच ऑफ इकट्ठा हो जाएगा। टाइम मत वेस्ट करो, फटाफट से पढ़ाई की तैयारी में शुरू हो जाओ। कंप्यूटर को लेकर आप लगातार कन्फ्यूज थे, इसलिए मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है और उम्मीद है कि अब आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। तो अब कंप्यूटर को लेकर कन्फ्यूज मत हो, टॉपिक वाइज चीज़ों को पढ़ते हुए चलो। बाकी बुक्स के लिए मैंने आपको बता ही दिया, कोई क्वेरीज के बाद भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल पर नए हो गए सब्सक्राइब जरूर कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलना, और बेल आइकन जरूर दबाना कि जो वीडियो मैं डालती हूँ वो आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।